आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील में सिविल न्यायालय कोर्ट सभागार कक्ष का सांसद भोला सिंह ने किया शिलान्यास। बार एसोसिएशन शिकारपुर के तहसील अध्यक्ष नेम सिंह सूर्यवंशी एवं सचिव प्रदीप गिरी द्वारा करीब दो वर्ष से सिविल कोर्ट के लिए प्रयासरत थे, जिसके लिए सांसद भोला सिंह से लगातार मांग की जा रही थी, जिसकी शुक्रवार को मिली सौगात। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के लोगों को सिविल न्यायालय कोर्ट बनने से लोगों को बुलंदशहर जाने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर अब शिकारपुर की जनता को शिकारपुर की तहसील में ही सिविल कोर्ट का न्याय मिलेगा। इस पहल की शिकारपुर तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा तहसील अध्यक्ष एवं सचिव की जमकर सराहना की गई तथा सांसद भोला सिंह का अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित रहे। भारत की रफ्तार 24 के लिए इकराम खान की खास रिपोर्ट। तहसील में सिविल कोर्ट का शिलान्यास किया गया है, क्या उद्देश्य रहेंगे और क्या जनता को, शिकारपुर की जनता को क्या सौंपेंगे? ये मैं सभी शिकारपुर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और अपने न्यायालय के जिलाधीशों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिकारपुर के लिए जो ग्रामीण एरिया था उसमें न्यायालय की स्थापना के लिए आदेश दिए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि अब हमारे जो भी क्षेत्रवासी हैं उनको न्याय के लिए जनपद स्तर पर नहीं जाना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया उनको यहीं पे हो जाएगी, तो आने जाने का उनका समय भी बचेगा और क्योंकि केस अगर यहाँ डाइवर्ट होंगे तो उनका केसों को जल्दी समाधान भी होगा। काफ़ी दिन से प्रयासरत थे, आपके माध्यम से इसको सौगात मिली है शिकारपुर तहसील? मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और बीच में कोरोना का भी वो रहा, बीच में इलेक्शन भी आ गए, तो ज़्यादा समय नहीं लगाया, अति शीघ्र इस पर कार्य हुआ है। तो इस शीघ्रता के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे साथ।